अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं डेली इनसाइट पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूं फवारा चौक राजा बाज़ार रावलपिंडी में। ये मेरे इस साइड आप देख सकते हैं, ये फवारा चौक है और ये बाज़ार जो है वो तकरीबन 150 सदी से 200 सदियों पहले से ये बाज़ार है, यानी 200 साल या 150 साल से ये बाज़ार शुरू है। यहाँ पे लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसको इसके गिर्दो नवाह से यहाँ पे आते हैं, मोस्टली कश्मीर, मरी, रवात, झेलम, गुजरखान, यानी जितने भी मुलहिका एरियाज़ हैं, और इस साइड से अगर देखें तो टेक्सिला वाली साइड से आते हैं। यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी से रिलेटेड तकरीबन सब अशिया मिल जाती हैं। अगर आपको शादी की शॉपिंग करनी है उससे रिलेटेड मार्केट्स हैं, अगर आपको क्राकरी के हवाले से कोई चीज़ें लेनी है उससे रिलेटेड अशिया मौजूद हैं, मसाला जात है, फिश मार्केट है, सब मार्केट्स यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है राजा बाज़ार की काफ़ी बड़ी पार्किंग है, ये बिल्कुल फवारा चौक के अपोज़िट साइड पे है। अगर आप कभी भी आते हैं तो पार्किंग के लिए यहाँ पे आप जगह आपको मिल सकती है। ये मेन बाड़ा मार्केट है राजा बाज़ार की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कदीम बिल्डिंग्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। ये भाई सामने जो खड़े हैं काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं और या आमीन सुमा आमीन, शुक्रिया। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी इस टाइम लोगों का रश है। और ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, ये आप शूज़ के स्टॉल देख सकते हैं, इसके अलावा ये ट्राउज़र्स हैं, ये छोटा सा भाई जो है वो शॉपर सेल कर रहे हैं। खान भाई कैसे हैं? ठीक हैं। करियत कैसे वास्कट्स लगाई हैं? तकरीबन कहाँ से स्टार्ट होती है? जिंदाबाद खान साहब, थैंक यू। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब वैरायटी है, बच्चों के आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे प्यारे कपड़े जो है वो लगे हैं और काफ़ी रश है इस टाइम, क्योंकि एक तो इतवार का दिन है और दूसरा तकरीबन 12 बजे का टाइम है। ये मुख्तलिफ किस्म के शैम्पू वगैरह और परफ्यूम्स वगैरह हैं स्टॉल पे, सिर्फ 200 रुपए में, ज़बरदस्त जी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी रश है और ये आप देख सकते हैं कैमरे में, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है बड़ा मार्केट में, और मेरे इर्द गिर्द आप लोगों का जो है वो हजूम देख सकते हैं, और साथ में जो है बारिश का जो है वो मौसम भी आने लगा है। इससे पहले बारिश आए कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को कवर कर लूं। फाइनली रश से जो है वो निकल चुके हैं बाड़ा मार्केट से, अब दूसरी साइड मूव कर रहे हैं और यहाँ के मनाजिर भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता रहूँगा। हाँ साहब, ये कितने में शॉल्स हैं? 1500-1200 क्वालिटी के हिसाब से, माशाल्लाह ज़बरदस्त शॉल्स हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं फ़याज़ भाई उस्मानिया ज़री से। उस्मानिया ज़री से कौन सा बाज़ार है ये? ये बाज़ार तलवाड़ा में है। तलवाड़ा में आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे पास सारा वेडिंग का होता है, वेडिंग का सूट साड़ी लहंगा फ्रॉक हर चीज़ होती है हमारे पास। अच्छा, तो इसके लिए कोई ऑर्डर वगैरह पुट अप करना पड़ता है या? ऑर्डर पे भी होता है और रेडीमेड भी होता है हमारा, बना बनाया भी मिल जाता है, ऑर्डर पे भी बन जाता है काम। ठीक है। हाँ जी, जिस तरह का तकरीबन ये कितने हज़ार से काम स्टार्ट होता है, किसी एक का बता सकते हैं? ये सर, ये जो सेकंड वाला है इसका बताएं। ये वाला आपको 25 में मिलेगा। 25,000? हाँ जी, वैसे तो रेट इसका ज़्यादा है, हमारा होलसेल का भी है काम। ठीक है। और परचून का भी है। ठीक है, ठीक है। यानी अगर लेडीज़ वैरायटी चाहिए हो तो आपसे कंप्लीट मिल जाएगी, ब्राइडल साड़ी भी होती है, लहंगा भी होता है, हर तरह की वैरायटी होती है, मुकम्मल वैरायटी। जिससे बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
अलमारियाँ और कुछ ट्रैवलिंग बैग्स हैं, कुछ कपड़े वगैरह रखने वाले बैग्स हैं। एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रंक हाउस, काफ़ी कदीम बिल्डिंग है, गालबन ये भी ब्रिटिश दौर की है। और यहाँ से एंट्रेंस जो है वो मोती बाज़ार की स्टार्ट होती है अंदर गली में। ये मेहंदी वगैरह के लिए मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है मेहंदी से रिलेटेड। जैकेट्स क्योंकि सर्दियों की आमद है तो जैकेट्स काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे डिस्प्ले हैं। थैंक यू खान साहब, काफ़ी प्यारे हैं ये लॉकेट। ये लॉकेट है, ये क्या किस प्राइस में है? ये 350, 250, 400। किस बाज़ार में हैं आप? ये तलवारा बाज़ार में खड़े। तलवारा बाज़ार में, शुक्रिया बहुत बहुत। ये तलवारा बाज़ार में एक अजान कलेक्शन एंड ज़री पैलेस है, इनके पास भी काफ़ी अच्छी ब्राइडल जो है वो कलेक्शन है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ से गुज़र हो रहा था तो सोचा आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में लगे हैं। अच्छा, ये जो है ये कितने में? ये 25,000 में। 25,000 में बताने वाले इसकी 45। ये कितनी इसकी प्राइस है? ये जो सामने है दिस वन, ये वाली 35,000 रुपये की। 35,000 तकरीबन कितने में फाइनल? फाइनल आपको 25 में दे देंगे। 25 में मिल जी। ठीक, तो ये ऑर्डर पे बनती हैं या? ऑर्डर का भी हमारा काम है, रेडीमेड भी है। अच्छा, काफ़ी अच्छा। तो एक खैर एक बार ही पहननी होती है जी? पहना तो दो घंटे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। दिस वन, ये वाली आपको 35,000 रुपये में देंगे। 35,000 में मिल जाएगी फाइनल। अच्छा, ये जो है ये कितने में? ये 55,000 रुपये में, कॉल प्राइस इसकी 55 है। अच्छा, 55,000 में। और नेक्स्ट अगर हम इस साइड पे आएँ तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी, सारा हाथ का काम बना हुआ है, ये आपको 18,000 रुपये की देंगे। 18,000 में, ठीक। और ये वाली सेम प्राइस है दोनों? अच्छा, ये सेम प्राइस है दोनों जी? 18,000। ठीक ठीक ठीक, चलें। थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है उर्दू बाज़ार, जहाँ से आप स्टेशनरी, बुक्स और स्कूल से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है आप उर्दू बाज़ार से आपको कम कीमत में भी मिल सकती हैं, और आसानी से जो चीज़ आम बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती वो यहाँ से आपको आसानी से मिल सकती है। इस टाइम जो है वो हम जा रहे हैं बहड़ बाज़ार की तरफ। ये मेरे साथ मौजूद है मेरा छोटा भाई नासिर कुरैशी, और यहाँ पे कदरे कम रश है। यहाँ पे बहड़ बाज़ार में अद्वियात वगैरह मिलती हैं यूनानी, और दूसरी भी मेडिसन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादातर यूनानी मेडिसन यानी होम्योपैथिक या हकीमी दवाइयाँ वो लेने आते हैं। तो ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं लाल हवेली, शेख रशीद साहब की यहाँ पे रिहाइश है, और काफ़ी पुरानी और मशहूर जो है वो ये लाल हवेली है। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये मेडिसन्स वगैरह की जो है मार्केट है, होम्योपैथिक की, शुआबे की। और अगर ये सामने ऊपर दिखाना, ये है वो पुराना मंदिर, काफ़ी कदीम मंदिर है बहड़ बाज़ार का, और ये तकरीबन इसको 150 से 200 साल कदीम ये भी लग रहा है, काफ़ी पुरानी इसकी बिल्डिंग है। कुछ इसकी डैमेज भी हो चुकी है ये बिल्डिंग, लेकिन ओवरऑल अगर आप टॉप पे देखें तो ये मंदिर तकरीबन अपनी असली हालत में मौजूद है। इस साइड पर गए ये मेडिसन्स के साथ। अच्छा, ये मेरे दूसरी साइड भी जो है वो काफ़ी एक कदीम बिल्डिंग है। गालबन ये वो जगह है जहाँ पे पुराना पिंडी जिसको कहा जाता है, कदीम बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ब्रिटिश दौर की आलमोस्ट। नाज़रीन, इस टाइम में जो मैं मौजूद हूँ मोची बाज़ार में, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो आप देख सकते हैं हार्डवेयर और सेंट्री से रिलेटेड हैं। बाकी आप ये देखें कितनी मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे किसी मशीनरी से ये कार्ट नहीं चला रहे, ये बंदा मौजूद है और काफ़ी इसमें एफर्ट लगती है इसको चलाने में। तो ये तारी पास की थी जी। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड मार्केट है, और यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा घूम फिर के लेनी पड़ती हैं,
लेकिन सस्ती मिल जाती हैं। और इस बाज़ार को जो है वो मोची बाज़ार कहा जाता है या मोची बाज़ार के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे भी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये भी तकरीबन काफ़ी पुरानी है। अभी मैं आपको एक ये बिल्डिंग बताता हूँ, ये मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी है, तकरीबन इसको 100 साल तकरीबन हो चुके हैं और अब ये तकरीबन बुसीदा हो रही है जी। नैलून की रस्सियाँ, बेलचे और भी ये सब वैरायटी, ये आप देख सकते हैं कि ये जंजीर, ये आप मशक्क़त चेक करें, मेहनत कश मज़दूर। हालांकि जदीद मशीनरी होनी चाहिए लेकिन हमारे कंट्री में तकरीबन सब वसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये अगर ग्राउंड लेवल पे इन लोगों को सपोर्ट किया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जितनी एफर्ट ये इसमें कर रहे हैं, अगर इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से मशीनरी अगर या लोन्स मिलें ऐसे लोगों को जो मज़दूर टाइप के हैं, तो हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। इसी वजह से ये आप देखें, यहाँ भी तकरीबन ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है। अगर यहाँ पे वीडियोस बनाए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ पे 3-4 वीडियोस इस बाज़ार की बनाऊँ। ये आपको ओवरव्यू इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें मज़ीद वीडियोस बनाऊँ। ये देखें आप, रुई है यहाँ पे, पहले ये रुई की रज़ाइयाँ तलाइयाँ बनती थी, अब भी लोग लेते हैं लेकिन अब काफ़ी कम हो गए हैं। शकरकंदी, वो देखें बिल्डिंग के ऊपर ये रज़ाइयाँ तलाइयाँ रख रहे हैं खान साहब के। ये देखें कैसी टेक्नोलॉजी है ये जी, थोड़ा सा मिस हो गया। ये बेसिकली इनका ऊपर है जहाँ पे तलाइयाँ रज़ाइयाँ बनती हैं, ये अब जाहिर है वहाँ से फेंकने का और कोई तरीका नहीं है, तो ये रस्सी जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वेल डन, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी। मुश्किल है ये वज़न उठाना भाई जान, सीधे भी नहीं हो पा रहे, इतना ज़्यादा वज़न है। नमक मंडी की मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ कदरे लोगों का रश कम है। इसकी क्या रीज़न है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे रश कम है। हाँ, एक रीज़न हो सकती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर बड़ी अलाउ नहीं है, तो शायद इस वजह से जो है ना वो रश कम है। भाई बड़े गौर से देख रहे थे, शायद वो नहीं चाहते कि मेरी वीडियो बने। हवा जो है वो तेज़ चलने पड़ गई है, शायद बारिश का टाइम जो है वो काफ़ी करीब आ चुका है। देखें कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी, मिर्चें, लीमू यहाँ पे डिस्प्ले है। ये बड़ी अजीब अजीब बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। आ जाएं आ जाएं। असल में इन्होंने भी मजदूरी करनी होती है, इनका एक एक मिनट कीमती होता है। ये देखें जी, ठीक ठाक वजन है। देखें जी, मेहनत में अजमत है, कोई भी काम है उसमें अगर मेहनत ना की जाए तो उसमें दम नहीं आता। दम तभी आता है जब आप एक एक्सट्रीम लेवल की उसमें मेहनत करते हैं। जी साबुन काफ़ी पहले यूज़ होता था, अब भी गांव देहात वाली साइड ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्लैक वन है ये है बर्तन धोने वाला, और ये जो दूसरा है ये है कपड़े वॉश करने के लिए। ठंड लग रही है भाइयों को क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कैसे हैं खान साहब, ठीक हैं? खैर
ठीक है। वो रेडी कर रहे हैं, चने आ गए हैं, निम्को आने लगी है। भाई कितने पैसे हो गए हैं? कितने? सात सौ चालीस। दोनों चीज़ें जो हैं वो 740 में मिल चुकी हैं। ये भाई एक बड़े शॉपर में पैक कर दीजिएगा। अच्छा, निम्को और चने हम ले चुके हैं। यहाँ की काफ़ी फेमस है निम्को, बल्कि हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। अगर किसी को निम्को चाहिए हो या इससे रिलेटेड ये आपने वीडियो में चीज़ें देखी हैं, स्पेशली निम्को के हवाले से मैं आपको कह सकता हूँ, तो कराची निम्को जो है वो राजा बाज़ार में वो द बेस्ट रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पे हम वीलॉग जो है आज का ख़त्म कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बरवक्त आपके उस कमेंट का जवाब दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक चीज़ और, अब बारिश बस तकरीबन बरसने लगी है और हम जो है वो स्टॉप से जो है वो गाड़ी में बेहतर है कि बैठ जाएँ। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।